फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, छोले भटूरे। तो बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बने, देख लेते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है, तो ये सूजी ऐड कर लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से छान कर ले लेंगे। तो यहाँ 2 कप मैदे में हमें 2 चम्मच सूजी लेनी है, ज़्यादा सूजी नहीं लेनी। 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, तो नमक भी ऐड कर लिया है। 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। और यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, तो ऑयल भी हमें मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरह से। और यहाँ 1/2 कप दही ले लेंगे, तो दही हमें खट्टा चाहिए, तो दही से डो लगा लेना है हमें। ये देखिए दही भी इसमें मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और थोड़ा पानी की भी ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो चाहिए हमें भटूरों के लिए, तो इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये डो लगा लिया है, अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और चलिए छोले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून राई ले ली है, 1/2 टीस्पून जीरा ले लिया, 2 तेज पत्ते ले लिए और हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4। तो इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो चने मैंने रात को भिगो लिए थे, तो चनों को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लीजिए। और 2 सीटी कुकर में लगा कर बॉयल कर लिया है, तो बॉईल करके लेंगे चने। और 2 मिनट के लिए प्याज को भून लेना है। और यहाँ मैंने 1 बड़ी साइज़ की टमाटर भी पीस ली है, तो टमाटर प्यूरी भी इसमें ऐड कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब प्यूरी भी ऐड कर लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए अब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और देख लेते हैं अब इसे। तो ये देखिए ऑयल छोड़ने लगा है, तो बस हमें इसी तरीके से चाहिए। तो अब यहाँ कुछ मसाले ले लिए, तो कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 2 टेबलस्पून लहसुन प्याज का मसाला ले लिया, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और ये 2 टेबलस्पून मैंने छोले भटूरे का मसाला मिलता है छोले का मसाला ले लिया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। और ये जो हमने चने बॉईल करके रखे थे, तो वो चने भी ऐड कर लेना है हमें, तो ये चने भी ऐड कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद देख लेते हैं, ये देखिए हो चुके हैं, कितने बढ़िया छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस ट्रिक से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे आपके छोले भटूरे। ये देखिए अब ये यहाँ ऑयल भी छोड़ने लगा है, तो बस अब हमें इतना ही चाहिए। तो अब यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया है, अब इसे रख देंगे साइड में। तो अब यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है एक कढ़ाई में, ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ भटूरे भी बेल लिए हैं। तो मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के बेले हैं, आप छोटी बड़ी साइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ हल्के हाथों से दबाते हुए भटूरों को फ्राई कर लेना है, हल्के हाथों से दबाना है। और ये देखिए फूले फूले भटूरे आपके तैयार। तो चलिए अभी इसे निकाल लेंगे आप इस ट्रिक। तो ये देखिए दूसरे भी भटूरे बेल लेंगे। और इसी तरह से हमें ऑयल गरम चाहिए, हाई फ्लेम रखी है मैंने गैस की। तो ये देखिए अब यहाँ दूसरे भी भटूरे ऐड कर लिया और हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है हमें ऑयल भटूरों के ऊपर। तो इस तरह से फूले फूले भटूरे आपके तैयार, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते जाएंगे गरम। और ये देखिए इस तरह से फूले फूले भटूरे बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस ट्रिक से बनाकर देखिएगा, आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी और आपके छोले भटूरे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से फूले फूले भटूरे बने हैं। तो चलिए आप प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए छोले भी कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आपके भटूरे भी फेल नहीं होंगे, इसी तरह से फूले फूले भटूरे बनकर तैयार होंगे।
तो आप इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।